हेलो बच्चों, कैसे हैं? पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास टेंथ से नेक्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर पढ़ने चल जा रहे हैं, मेटल नॉन मेटल्स, धातु और अधातु चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, बहुत अच्छा नॉलेज जो है इस चैप्टर से आप लोगों को मिलेगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर जो है लिख कर रखा हूँ बहुत अच्छे हैंड राइटिंग में, तो अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ। आज बहुत छोटा सा वीडियो होगा, मात्र 10-15 मिनट का वीडियो होगा और इसके बाद लंबा वीडियो बनेगा। थोड़ा सा केवल आज धातु, धातु और उपधातु के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। तो देखिए, पहले मेटल्स के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, मेटल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, मेटल्स जिसको हिंदी में हम कहते हैं धातु कहते हैं। तो देखिए, धातु और अधातु की जो परिभाषा है, दो आधार, दो बेस पर हम करेंगे। एक तो भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर हम करेंगे। तो देखिए, पहला है यहाँ भौतिक गुणों के आधार पर परिभाषा। किसकी परिभाषा? धातु की। तो देखिए, डिफिनीशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, किसकी होगी? मेटल की प्रॉपर्टी होगी। तो धातु देखिए किसे कहते हैं? वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के चालक, आघात वर्धनीय, तन्य, चमकदार, कठोर, प्रबल तथा ध्वनिक होते हैं, धातु कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ वे तत्व जो उष्मा, यानी कि उष्मा हीट आप गर्म करें, जैसे तार कोई लें, लोहे का एक सिरा गर्म कर तो दूसरा भी गर्म हो जाए, तो उष्मा का चालक होगा, विद्युत के चालक होंगे। ये क्या होगा? इसमें से होकर, इस ऐसे धातुओं में से होकर क्या होगा? विद्युत धारा जो है सप्लाई होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब धातुओं से ही जलते हैं, ठीक है। विद्युत के चालक आघात वर्धनीय होते हैं, ये यानी कि इसकी सीटें हथौड़े से पीट कर इसकी जो है चादर, इसकी सीट बनाई जा सकती है। तन्य होते हैं, इसको खींच कर इसके वायर तार बनाए जा सकते हैं। चमकदार होता है, चमकीला होता है, चमकदार होता है यानी कि शाइनी चमक होती है। कठोर होता है, हार्ड होता है, ये प्रबल स्ट्रांग भी होता है। और सोनोरस यानी कि धात्विक गुण, ध्वनिक जो है इसमें होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ हम परिभाषा केवल समझेंगे, ठीक है। तो वे तत्व जो ऊष्मा, विद्युत के चालक, आघात वर्धनीय, तन्य, चमकदार, कठोर, प्रबल तथा ध्वनिक होते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे लिथियम एलाई, सोडियम एमए, पोटेशियम के, मैग्नीशियम एमजी, कैल्शियम सीए, सिल्वर एजी, गोल्ड एयू, एफई, आयरन कापर सीयू, जिंक जेडएन, टिन एसएन, लेड पीवी, एएल एल्युमिनियम, एसजी मर्करी, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? धातुएं हैं, ठीक है। आइए इसको आप याद करेंगे। और ये धातुओं के नाम हमने आपको बताया है, सिर्फ धातुओं के संकेत हैं, नाम हमने बता दिया है, याद कर लेंगे। अब देखिए, इसकी परिभाषा जो है इंग्लिश में आप देखेंगे कैसे होगा। मेटल्स आर द एलिमेंट्स, यानी कि धातुएं वे तत्व हैं दैट्स जो क्या करती हैं? कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या करती हैं? उष्मा और विद्युत की क्या होती हैं? चालक होती हैं। एंड आर मेलिएबल, और क्या होती हैं? आघात वर्धनी होती हैं। डक्टिल क्या होती है? तन्य होती हैं ये। लस्ट्रस मीन्स क्या होती है? चमकदार होती है, यानी कि शाइनी होती है। हार्ड कठोर होती हैं, स्ट्रांग प्रबल होती हैं, हैवी भारी भी होती हैं। एंड सोनोरस, और क्या होती है इसमें? ध्वनिक वो भी होता है। तो इसी को हम कहते हैं क्या है? ये धातुएं हैं। अगर ये सब सारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अगर किसी भी एलिमेंट्स में पाया जाता है तो क्या कहलाती हैं? मेटल्स जो है कहलाती हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर परिभाषा, ठीक है। डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इसके आधार पर परिभाषा हम इसको देखते हैं। देखिए, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। क्या भाई? धातुओं का एक विशेष कैरेक्टर होता है, वे इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का, वन आर मोर इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, ये लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन या डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ये अगर कोई भी तत्व क्या एलिमेंट एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है, लूजिंग करता है, तो ही क्या कहलाते हो?
आपके मेटल्स का आते हैं। जैसे सोडियम एग्जांपल लिया, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, एक पॉजिटिव चार्ज आता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। कैल्शियम है, दो इलेक्ट्रॉन निकालता है, जो जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज होगा। दो इलेक्ट्रॉन निकाला, दो पॉजिटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इसी मैग्नीशियम भी आपका दो पॉजिटिव चार्ज होगा, दो इलेक्ट्रॉन निकाला। एल्युमिनियम है, तीन इलेक्ट्रॉन निकालता है और इस पर जो है तीन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसलिए इंग्लिश में अगर डिफिनेशन देखें तो क्या होगा, मेटल आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ठीक है, क्या बनाता है, पॉजिटिव आयंस बनाता है बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आप डिफिनेशन जो है याद कर लेंगे, इंग्लिश में भी याद कर लेंगे। यानी कि दो आर एलिमेंट्स लूजिंग वन आर मोर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल्स। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ भौतिक गुणों के आधार पर, अब देखिए यहाँ नॉन मेटल्स को हम देखते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, यानी कि आधार क्या होते हैं। तो नॉन मेटल्स में आपके क्या है, देखिए डिफिनीशन, भौतिक गुणों के आधार पर पहले इसकी हम डिफिनीशन देखते हैं। तो भौतिक गुणों के आधार पर वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के क्या है, कुचालक है, भंगुर है, मलिन होता है, ये साइनिंग नहीं होती, मलिन होता, भंगुर होता है, ये भंगुर मतलब हथौड़े से मारे टूट जाए। ठीक है, मुलायम सॉफ्ट भी होते हैं कुछ, तथा आध्वनिक होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं, ये आधातु कहलाते हैं। जैसे आपका कार्बन है, क्या है, कार्बन है आपका, यहाँ पर सल्फर है, यस सल्फर, कार्बन सी सल्फर यस, फास्फोरस पी, क्लोरीन आपका है सी एल, क्लोरीन यफ, ब्रोमीन बी आर, आयोडीन आयोडीन आई, हाइड्रोजन एच, ऑक्सीजन ओ, नाइट्रोजन यन, हीलियम हीलियम नियान ऑर्गन, ये सब अक्रिय गैसें हैं। क्या है, अक्रिय गैसें भी हीलियम नियान ऑर्गन को कहते हैं। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अब देखिए इंग्लिश में इसका डिफिनेशन क्या होगा, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करते हैं, एंड आर नाइदर मेरिएबल, और ना ही आघात वर्धनीय होते हैं, नॉट डक्टिल, और ना ही क्या होते हैं, तन्य होते हैं। दे आर ब्रिटिल, ये क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, डल होते हैं यानी कि मलिन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, एंड नॉन सोनोरस यानी कि आध्वनिक होती है, ये आवाज़ भी नहीं करते हैं। ठीक है, ले आवाज़ करते हैं, इसमें ध्वनि होती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका जो है, ये डिफिनीशन हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। चलिए इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर क्या होगा इसकी परिभाषा देखते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की परिभाषा करते हैं, एक धनायन बनाता है, दूसरा क्या बनाएगा, ऋणायन बनाता है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, आधार कहते हैं। इंग्लिश में लिखते हैं, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म निगेटिव आयंस। क्या बनाते हैं, निगेटिव आयन बनाते हैं, कब बनाते हैं, बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बनाते हैं, आर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन सी एल है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है, सी एल निगेटिव, इसको क्या कहते हैं, सी एल निगेटिव क्लोराइड आयन कहते हैं। ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है, ऑक्साइड आयन बनाता है, ऑक्सीजन का डबल निगेटिव। इसी तरीके से फॉस्फोरस तीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है, पी थ्री निगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, नाइट्रोजन भी आपका तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है, एन थ्री, एन थ्री निगेटिव बनाता है। ठीक, तो ये हो गया आपके धातु और अधातु की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। अब एक परिभाषा हम और देख लेते हैं, यहाँ पर आप इसको नोट कर लेंगे, एक परिभाषा हम उपधातु की देख लेते हैं, क्या होता है उपधातु की परिभाषा। उपधातु, उपधातु क्या है, मेटलॉइड्स, कुछ तत्व, कुछ तत्व धातु तथा अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित
करते हैं, ठीक है, करते हैं। कुछ दो तत्व तो होते हैं, क्या करते हैं, धातु अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे तत्वों को, ऐसे तत्वों को उपधातु कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल्स क्या होगा आपका, इसका एग्जाम्पल जैसे सिलिकॉन, SI सिलिकॉन है, ठीक है, और आर्सेनिक है, एंटीमनी है, SB है, एंटीमनी, जर्मेनियम, GE और टेलूरियम, ठीक है। तो ये क्या हो गया सिलिकॉन, ये क्या हो गया आर्सेनिक, ये क्या हो गया एंटीमोनी, एंटीमोनी, ये क्या हो गया जर्मेनियम, जर्मेनियम, ये क्या हो गया टेलुरियम, टेलुरियम, ठीक। तो ये सब क्या, ये क्या है उपधातुएं हैं, इसमें क्या है धातु अधातु दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। तो उपधातुओं के नाम आपको मालूम होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी इनमें से उपधातु है। तो ये आपके क्या है 1, 2, 3, 4, 5 क्या है आपके उपधातुएं हैं, और यही आपको पीरियाडिक टेबल में भी आवर्तणी में भी मिलेगा, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम और टेलुरियम, और इसी से चिप बनाए जाते हैं, सिलिकॉन से ही क्या बनते हैं चिप बनाए जाते हैं, ठीक है, सिलिकॉन से क्या बनाए जाते हैं चिप, कंप्यूटर का जो चिप बनता है सिलिकॉन से ही बनता है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और हम आपको बता दें, इसको भी आप याद रखेंगे, तो देखिए इस अर्थ क्रस्ट में यानी कि इस भूपर्पटी पर पृथ्वी में जो है सबसे ज़्यादा यही सिलिकॉन होता है, क्या होता है सिलिकॉन जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, सिलिकॉन यही होता है सिलिकॉन सबसे ज़्यादा जो है, सॉरी सबसे ज़्यादा भूपर्पटी में क्या होता है ऑक्सीजन होता है, क्या होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, अभी 49.5% होता है ये ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा भूपर्पटी में होता है, फिर इसके बाद जो है सिलिकॉन का नंबर आता है और ये 27% होता है, और फिर इसके बाद एल्यूमिनियम का नंबर आता है जो कि 7.5% होता है, और इसके बाद जो है आयरन का नंबर आता है जो कि 4.2% होता है। तो बस देखिए ये क्या है अधातु, सबसे अगर पूछा जाए पृथ्वी पर में जो है अधातुएं जो है कितनी, कौन सी भूपर्पटी में कौन सी अधातु जो है सबसे ज़्यादा है, कौन सा तत्व तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो ऑक्सीजन कहेंगे, अगर कहा जाता है उपधातु कौन सा सबसे अधिक पाया जाता है तो ये पाया जाता है सिलिकॉन, अगर कहा जाता है मेटल्स कौन सा पाया जाता है तो आप कहेंगे एल्युमिनियम पाया जाता है, अगर कहा आयरन देखिए दूसरे नंबर, आयरन मेटल है दूसरे नंबर पर होता है, ठीक है, तो दूसरे नंबर, पहले नंबर पर मेटल जो है सिलिकॉन होता है और दूसरे नंबर पर आयरन जो है होता है, ठीक है। तो ये अधातु हुआ, ये क्या हुआ उपधातु हुआ, और ये दोनों क्या हुए मेटल्स हुए, ठीक है। लेकिन अगर वायुमंडल में कहा जाए तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या होता है नाइट्रोजन होता है, फिर क्या होता है आपका ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ये होता है अगर वायुमंडल में कहा जाए तो नाइट्रोजन होगा सबसे ज़्यादा तत्व, अगर भूपर्पटी में कहा जाए तो ऑक्सीजन होगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो बस एक छोटा सा वीडियो, तो ये आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है, कुल मिलाकर केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं, तीसरा चैप्टर आपके चल रहे हैं और ये धीरे धीरे आगे कंटिन्यू रहेगा, तो बस इतना, और इसका नोट्स जो है बेहतर कॉपी में जो है बनाएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।